Hi everyone, Chartered Accountancy is all about networking and networking is all about communication. जब आप Chartered Accountancy करते हैं तब शायद आपको ये एहसास नहीं होगा कि जितनी बड़ी networking आप करेंगे उतना बड़ा आपका प्रोफाइल और आपका पर्सोना क्रिएट होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद. दोस्तों, आप जॉब में जाएं या प्रैक्टिस में जाएं, कम्युनिकेशन इज इंडिस्पेंसेबल. बीसीआर की फुल फॉर्म वैसे बिजनेस कम्युनिकेशन नहीं है, बीसीआर की फुल फॉर्म बिजनेस करस्पोंडेंस एंड रिपोर्टिंग है. जी हां, हम सीए फाउंडेशन का बीसीआर आज शुरू कर रहे हैं और जैसा मैंने आपको बताया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डू इंडल्ज इन नेटवर्किंग. नेटवर्किंग नेटवर्क मार्केटिंग वाला नहीं, नेटवर्किंग मतलब मेकिंग कनेक्शंस, मीटिंग पीपल, हैविंग सेमिनार्स, ग्रीटिंग पीपल, करस्पोंडेंस इन बिजनेस एंड ऑफ कोर्स द रिपोर्टिंग पार्ट. दोस्तों, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में एज एन एम्प्लॉय काम करते हैं तब भी, और अगर आपकी अपनी एक प्रैक्टिसिंग फर्म है जिसमें आप खुद ऑर्गेनाइजेशनल ओनर हैं, तब भी कम्युनिकेशन इज एक्चुअली इंडिस्पेंसेबल. दोस्तों, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद ठीक है कि टेक्निकल नॉलेज आप सबको होती है, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स भी उतनी ही जरूरी हैं जितनी टेक्निकल स्किल्स हैं. जब हम टेक्निकल स्किल्स की बात करते हैं तो मतलब होता है कि इनकम टैक्स, जीएसटी, जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो आपके अंदर होनी चाहिए और वो होती है यकीनन व्हेन यू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट. लेकिन सॉफ्ट स्किल्स का मतलब है कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, हाउ टू इंटरैक्ट विद पीपल, हाउ टू इंटरैक्ट विद अथॉरिटीज, हाउ टू इंटरैक्ट विद सुपीरियर्स, हाउ टू इंटरैक्ट विद सबॉर्डिनेट्स. तो हमें अपने चारों तरफ जो हमारी सराउंडिंग्स हैं उनसे मुलाकात करनी होती है, उनसे बात करनी होती है, उनको चिट्ठियां लिखनी होती हैं, उनको एप्लीकेशंस लिखनी होती हैं, उनको लेटर्स लिखने होते हैं और हमें ऑडिट करने के बाद रिपोर्ट्स लिखनी होती हैं. तो ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ रिटन एज वेल एज ओरल कम्युनिकेशन विल बी डिस्कस्ड हियर इन योर सब्जेक्ट कॉल्ड बिजनेस करस्पोंडेंस एंड रिपोर्टिंग. ये जो यहां आज आप बीसीआर पढ़ना शुरू कर रहे हो दोस्तों, ये बहुत काम आएगा. यू मे नॉट रियलाइज टुडे बट विल रियलाइज वन डे फॉर श्योर. तो दोस्तों, जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं तो फाइनल के एग्जाम से थोड़ा पहले या फाइनल के बाद भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है. एक एमसीएस होती है, एमसीएस ट्रेनिंग होती है, मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनिंग. तो वो जो एमसीएस ट्रेनिंग है उसका एक फाउंडेशन स्टोन आज आप यहां पर रखेंगे. आपकी एमसीएस ट्रेनिंग में भी लोग आपसे पूछेंगे, कोच आपसे पूछेंगे, ट्रेनर आपसे पूछेगा, फाउंडेशन में बीसीआर पढ़ा था? आप बोलना जी हां, फाउंडेशन में बीसीआर बहुत अच्छे से पढ़ा था. तो एक बार फिर आप सबका स्वागत सीए फाउंडेशन के बीसीआर के सब्जेक्ट में. ये जितने भी यहां पर आप पेजेस देख रहे हैं ये आप तक पहुंच चुके होंगे या पहुंच जाएंगे, ये आपके पास होंगे. तो जब क्लास चल रही हो तो आप अपने पास इनको रखिएगा. लेकिन मेरी रिक्वेस्ट आपसे कि जिस पेज पर मैं हूं आप भी सिर्फ उसी पेज पर रहिएगा. वी टुगेदर शुड बी ऑन द सेम पेज. ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट इज रिटन हियर. दोस्तों, यहां पर कुछ लिखा है और मिलके हम उसको पढ़ते हैं. ये डेल कार्नेज है. 90% ऑफ ऑल मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय मिसकम्युनिकेशन. और आप विश्वास करिए, ये बिल्कुल सच है. ऐसा नहीं है कि ये इन्होंने कहा इसलिए सच है. दिस इज समथिंग वी ऑल अंडरस्टैंड, दिस इज समथिंग वी ऑल अग्री कि ये जितनी मिसकम्युनिकेशन से प्रॉब्लम्स होती हैं उससे ज्यादा किसी और से क्रिएट नहीं होती. दोस्तों, व्हेन यू कैन स्पीक व्हाट यू विश टू स्पीक देयर इज नो कंफ्यूजन. व्हेन यू कैन राइट व्हाट यू विश टू राइट देयर इज नो कंफ्यूजन. मतलब मन की बात जुबान पर और मन की बात कागज पर अगर आ जाए ना तो फिर कभी कोई कंफ्यूजन कभी होता ही नहीं. सारा चक्कर दोस्तों इसी बात का है कि या तो हम अपनी बात कह नहीं सकते क्योंकि सामने वाले के सामने हम बोल नहीं पा रहे या लिख नहीं पा रहे, या फिर हम अपनी बात कहना नहीं चाहते. भाई रिश्ते संभाल लें तो चल मत बोल, कोई फर्क नहीं पड़ता. इन बोथ सिनेरियोस चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन नॉट अफोर्ड टू हैव मिसकम्युनिकेशन. आपको अपने क्लाइंट से बात करनी है, आपको अपने एम्प्लॉयर से बात करनी है, आपको अपने स्टाफ से बात करनी है, आपको जीएसटी डिपार्टमेंट में जाके बात करनी है, आपको इनकम टैक्स ऑफिस में जाके बात करनी है. एवरीवेयर वी हैव टू कम्युनिकेट. सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं करना, कम्युनिकेशन ऐसे करना है, इस प्रॉपर मैनर में करना है दैट देयर लीड्स टू नो मिसकम्युनिकेशन. ठीक है दोस्तों, तो प्लीज याद रखिएगा, ये जो मैंने आपको कोट्स दिखाई वो इसलिए कि मैं आपके अंदर
वो चीज पैदा कर दूं, वो आपके अंदर एक ललक पैदा हो जाए, आपके अंदर एक एक थ्रस्ट ऑफ गेनिंग नॉलेज क्रिएट हो जानी चाहिए, क्यूरोसिटी अबाउट बीसीआर क्रिएट हो जानी चाहिए. बीसीआर इज नॉट इंग्लिश, है ना. मैंने सुना कुछ लोग कह रहे थे कि वो लॉ के साथ तो इंग्लिश है थोड़ी सी, बस कुछ चैप्टर्स हैं. पहली बात तो कुछ चैप्टर्स नहीं है, लॉन्ग लिस्ट है, 12 चैप्टर्स हैं, हम आराम से देख लेंगे, लेकिन हैं वो छोटे छोटे. आई अग्री टू दिस, लेकिन दोस्तों यू मस्ट इंप्रूव योर थॉट अबाउट दिस सब्जेक्ट. इट डज नॉट ओनली हैव इंग्लिश, इट डज हैव इंग्लिश, बट इट डज नॉट ओनली हैव इंग्लिश. ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. यस, ये दूसरे अंकल जी आ गए, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ. बड़ा मशहूर डायलॉग है इनका इस समय आपके सामने स्क्रीन पे. द सिंगल बिगेस्ट प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन इज द इल्यूजन. इल्यूजन मतलब भ्रम, जो गलत फहमी हमारे मन के अंदर है, दैट इट हैज टेकन प्लेस. मतलब समझे आप, इल्यूजन के बाद से दोबारा पढ़ो आप. इल्यूजन दैट इट हैज टेकन प्लेस. अभी मैं कुछ नहीं लिख रहा, अभी आप भी कुछ नहीं लिखेंगे. लिखेंगे, मिलके लिखेंगे, पक्का लिखेंगे, जरूर लिखेंगे, बेफिक्र रहिए. बस बीसीआर में आपको अलग नोटबुक बनाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर आप लिख सकते हैं. द सिंगल बिगेस्ट प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन इज द इल्यूजन. बिगेस्ट प्रॉब्लम हमारी, हर इंसान की, चार्टर्ड अकाउंटेंट की, या जो नॉर्मल लोग हैं उनकी भी, आप तो विशिष्ट लोग हैं ना, यू आर स्पेशल, सबकी एक ही प्रॉब्लम है. हमें लगता है हमने कम्युनिकेशन कर दी और वो पूरी हो गई. इल्यूजन के बाद दोबारा पढ़ो, क्या इल्यूजन है हमारे दिमाग में, दैट इट हैज टेकन प्लेस. यू नो व्हाई? अभी थोड़ी देर बाद जब आप पढ़ोगे, मैं अभी आपको बता देता हूं एक बात, ध्यान से देखिएगा. मान लीजिए ये दो लोग हैं यहां पर, एक तरफ तो आप ही हो, द ग्रेट वन एंड ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट, और यहां पर दे कैन बी एनीबॉडी, दे कैन बी योर एम्प्लॉयर, दे कैन बी योर क्लाइंट, दे कैन बी योर एम्प्लॉयज, एनीवन. तो सोचो यहां से आपने मैसेज दिया, रेड कलर कहां गया, मिल गया रेड कलर, यहां से आपने मैसेज भेजा. सो वी थिंक दैट वी सेंट अ मैसेज टू द पर्सन, कम्युनिकेशन इज ओवर. ऐसे नहीं होता. सामने वाला उसे सुनेगा, सामने वाला उसे पढ़ेगा, सामने वाला उसे समझेगा, अपने दिमाग में रिप्लाई बनाएगा और फिर वो आपको रिप्लाई देगा, तब जाकर कम्युनिकेशन पूरी होती है. हमें तो लगता है ये वन वे प्रोसेस है, इधर से मैसेज फेंका वो बात खत्म. कम्युनिकेशन का प्रोसेस हमने हमारे कोर्स में है, वो एनकोडिंग डीकोडिंग ऑल आई विल टेल यू, बट सिंपल एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूं कि आपने अपने क्लाइंट को रिपोर्ट बना के दे दी कि भाई हमने तुम्हारा ऑडिट कर लिया और ये 50 गलतियां हमें मिली. भाई उसकी भी तो सुन लो, तुमने 50 गलतियां रिपोर्ट में लिख दी, क्या पता कोई ऐसी गलती हो जो तुम्हें देखने से गलत लगी हो. पता आपको, रिपोर्ट साइन करने से पहले वी ऑलवेज हैव अ कर्टसी डिस्कशन विद द क्लाइंट that we obtained these 50 errors in your accounts. अब जब हम टॉक करते हैं तो बात करते हैं, फिर वो क्लाइंट हमें एक्सप्लेनेशन देता है कि सर ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने गलत नहीं करा है, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारी पॉलिसी के हिसाब से बिल्कुल सही है. आपने हमारी पॉलिसी देखी? अब दिल के अंदर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट पूछ रहे हैं, नहीं भाई पॉलिसी तो उसकी देखी नहीं, ओहो शिट, ये तो गलती है ही नहीं. कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हम सामने वाले की बात ना सुनना चाहते, सुन लेते हैं तो हम समझना नहीं चाहते. हम अपने ऐसी जिंदगी के राग में डूबे हुए होते हैं, वी आर सो इन्वॉल्व इन आर ओन मैसेजेस दैट वी डोंट रीड, वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग, ना तो लिसनिंग और ना उसकी कॉम्प्रिहेंशन, कुछ नहीं करते हम. तो प्लीज मेरी बात समझिएगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये इंग्लिश नहीं है. राइट, सीए फाउंडेशन का बिजनेस करस्पोंडेंस एंड रिपोर्टिंग एक क्लासिक सब्जेक्ट है, आपको इससे प्यार कर लेना चाहिए, और नहीं करोगे तो मैं करवा दूंगा अपने आप, और आपको हो भी जाएगा. दोस्तों पता है आपको, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आप क्लाइंट से बात करो और आपके पास काम ना आए तो फिर किस बात के चार्टर्ड अकाउंटेंट. एक मीटिंग आपकी क्लाइंट से अगर हो जाए तो ऐसा होना चाहिए कि वो खुद भी आपके पास आए, अपने चार दोस्त जो उसके बिजनेसमैन है उनको भी आपके पास लाए. अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एम्प्लॉयमेंट में हैं, आप एम्प्लॉई हैं और आपने कोई रिपोर्ट बनाई, आपका बॉस, आपका सुपीरियर, आपका एम्प्लॉयर उसे देखने के बाद कहे वी हैव हायर्ड राइट पर्सन, यू नो व्हाई? व्हेन यू सर्टिफाई समथिंग, व्हेन यू राइट समथिंग, व्हेन यू स्पीक समथिंग, द एंटायर फ्रेटर्निटी इज रिप्रेजेंटेड. अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कुछ कहता है और वो गलत निकलता है तो लोग ये नहीं कहेंगे मिस्टर ए ने गलत बोला, लोग कहेंगे एक फलाना चार्टर्ड अकाउंटेंट था, बताओ वो ऐसे कह रहा था.
So you represent a community, you represent a prestigious community. तो उसका थोड़ा लाज रखना है ना. तो we must have the skills, interpersonal skills, soft skills, communication skills and the skills of business correspondence and reporting. एक बात और बोलूं, किसी भी सब्जेक्ट को कोर्स में इंट्रोड्यूस करने का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता दोस्तों कि वो आ गया, उसमें से चार क्वेश्चंस आएंगे, हम उनके आंसर लिख लेंगे बिकॉज हम रट के गए होंगे, हमारे नंबर आ जाएंगे, फाउंडेशन क्लियर होगा, बाकी कौन देख रहा है. ऐसे नहीं है दोस्तों. दिस इज समथिंग वी आर क्रिएटिंग अ फाउंडेशन स्टोन. दिस विल क्रिएट अ बेस फॉर यू. आप इंटर में आएंगे सीए के, आप फाइनल में आएंगे सीए के, बार बार कम्युनिकेशन आप तक आएगी. एनीवेज, तो मैं आपको ये बता रहा था कि जॉर्ज साहब ने क्या बोला था कि कम्युनिकेशन में सबसे बड़ी समस्या हम सबकी यही है कि हम समझते हैं कि बात पूरी हो गई. दोस्तों हमारे बोलने के बाद तो बात शुरू होती है. वी मस्ट अंडरस्टैंड कॉम्प्रीहेंड व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग. तो आप देखो ध्यान से देखना प्लीज, यहां से पलट कर भी कुछ आता है और उसको क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स या फीडबैक, कुछ भी कह सकते हो आप. ये जो ए जेड कोट्स लिखा है ना, ये मैंने क्रॉप इसलिए नहीं करा क्योंकि कोई तस्वीर कहीं से उठाओ तो बताना चाहिए आपने कहां से उठाई. मैसेज और उसका रिस्पॉन्स, ये दोनों स्टेप जब तक कम्युनिकेशन में नहीं हो जाते ये पूरी नहीं हो जाती. आपने खत लिख दिया फाइनेंस मिनिस्टर को कि भाई जो टैक्सेशन नया रूल आने वाला है उसमें हमारे ये सुझाव हैं या हमारी ये शिकायतें हैं, कम्युनिकेशन पूरा हो गया, ऐसे कैसे भाई. फाइनेंस मिनिस्टर विल ऑल्सो रीड इट, फाइनेंस मिनिस्टर विल कॉम्प्रीहेंड इट, फाइनेंस मिनिस्टर विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू स्पीक और से और राइट, देन दे विल मेक अ रिप्लाई टू यू सूटेबल. ठीक है, तो कभी भी जल्दबाजी में कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, हड़बड़ाहट में कम्युनिकेशन नहीं हो सकती. और सबसे बड़ी बात इनसे डिस्कस करने से पहले बताऊं कि जब कम्युनिकेशन करो तो पूरी करो, आधी अधूरी कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन में ही कन्वर्ट हो जाती है. बस आपसे मेरे दो मिनट में आपसे और मांग रहा हूं, उसके बाद मैं चैप्टर के आपको कंटेंट दिखाऊंगा कि अपने को क्या क्या पढ़ना है. ये देखो आप, आई स्पीक, कौन है ये? अरे इनका नाम पढ़ने की जरूरत थोड़ी है, ये तो आपको इनका चेहरा देखते ही समझ आ जाना चाहिए, अल्बर्ट आइंस्टीन. ठीक है, विशेष दिमाग रखने वाले. आई स्पीक टू एवरी वन, ही सेज आई स्पीक टू एवरी वन इन द सेम वे वेदर ही इज द गार्बेज मैन और द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी. अल्बर्ट आइंस्टीन साहब कहते हैं कि हम, मेरी एक बात ध्यान से सुनिए, ये कहना क्या चाहते हैं, भूल जाइए, पढ़ लिया आपने, इनको अंकल जी को देख लिया, अब आप भाई को देखो, मेरी सुनो आप. यहां ये लिखा है कि कोई भी हो, किसी भी लेवल पर हो, किसी भी पोजिशन पर हो, मैं जब उससे बात करता हूं, मतलब ये जब उससे बात करते हैं तो वो एक जैसे बात करते हैं. इनका कहने का मतलब है कि हमें जब किसी से बात करनी चाहिए तो हमें एक जैसे बात करनी चाहिए, चाहे हम यहां वाले पर्सन से बात कर रहे हैं चाहे हम वहां वाले पर्सन से बात कर रहे हैं. जानते हो आप ये कहना क्या चाहते हैं कि अगर आप कम्युनिकेशन किसी से खराब तरीके से करते हो तो दिस इज नॉट हिज एक्शन जिसका आप रिएक्शन दे रहे हो, दिस इज यू आर रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ. हाउ डू यू बिहेव, भाई सामने वाले ने अच्छा बोला, या सामने वाला बड़ी पोजीशन पर है, या सामने वाला आपके फेवर में है, या सामने वाला कोई ऐसी डेजिग्नेशन पे बैठा है जहां से हमें यूजफुलनेस आने वाली है, हमें फायदा होने वाला है, तो उससे तो आप अच्छा बोलोगे. कम्युनिकेशन की कला यह है कि आपके सामने कोई भी आ जाए और आप उसी अंदाज में बात करें जैसे आप इधर और जैसे आप उधर बात करते हैं. चार्टर्ड अकाउंटेंसी के हिसाब से आपको बताऊं तो आपको हर किसी से एक जैसी बात करनी है. एक जैसी का मतलब यह नहीं कि आप क्लाइंट से भी यही बात कर रहे हो जैसे हम एम्प्लॉयर से करते, सरकार से भी हम वैसी बात कर रहे हैं जैसे हम एम्प्लॉय से करते. हम फाइनेंस मिनिस्टर को थोड़े ना बोलेंगे भाई काम क्यों नहीं हुआ, हम अपने एम्प्लॉय को बोल सकते हैं भाई फाइल क्यों नहीं रेडी हुई, कैसी बात कर रहा, क्लाइंट आने वाला है. मैं ये नहीं कह रहा कि टोन पिच वेरिएशन नहीं कर सकते, मेरा कहने का मतलब है जिस कर्टसी के साथ अपर ग्रेड पर बात करते हो उसी कर्टसी के साथ लोअर ग्रेड पर बात करो. किसी की प्रोफाइल, किसी की डेजिग्नेशन अप और लो, अप या डाउन हो सकती है, इंसान सब हैं. आप कितने भी बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर, वैसे तो तुम सीए फाउंडेशन में हो, लेकिन तुम कुछ भी बन जाओ और तुम किसी से भी मिल लो, हो तो इंसान ही ना, बातें तो दिलो दिमाग से ही बाहर आती है ना. सो दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से. मैं अब आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपको तीनों के नाम दिखा दूं पहले,
अल्बर्ट आइंस्टीन, जॉर्ज साहब और ये भाई डेनियल, ये जितने भी लोग थे ना, ये अपने अपने क्षेत्र में सफल लोग हैं, ये अपने अपने एरिया में बहुत सक्सेसफुल लोग हैं। और इन्होंने कम्युनिकेशन के बारे में जो कहा वो मैं इसलिए उठाकर लाया हूं आपके सामने कि आप ये महसूस करें कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए भी कम्युनिकेशन उतनी ही जरूरी है, क्लाइंट के साथ, एम्प्लॉयर के साथ, गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ, टैक्स अथॉरिटीज के साथ, एम्प्लॉयज के साथ, क्लाइंट्स के साथ, सबके साथ दोस्तों, ठीक है ना। तो अब उसको करने का तरीका कैसा होना चाहिए ये समझने के लिए हमारा ये सब्जेक्ट लॉन्च हुआ। आप बुरा ना माने, ये सच है, आप मेरे बाद वाली जेनरेशन है, मैंने अपने से पहले और अपने से बाद दोनों जेनरेशंस को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते देखा। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जनरली ये स्टूडेंट्स को देखा जाता है कि वो किताबों में ऐसे डूबे हुए रहते हैं, वो इतने ज्यादा टेक्निकल नॉलेज को अपने अंदर बसाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनसे पूछ लो जीएसटी ऐसे बिल्कुल फटर फटर आंसर करते हैं, उनसे पूछो इनकम टैक्स उन्हें सब रटा हुआ है, सपने में भी जवाब दे देंगे क्या टैक्सेबल है क्या एग्जेम्प्ट है। उनको पूछो कि क्या आपको पता है ईमेल में ऐसे लिखना चाहिए, ये करने के लिए वैसे लिखना चाहिए, तो उन्हें कुछ नहीं पता। ये कमी हमें दूर करनी है। आपको लगता है आईटीसी, टाटा, बिरला, महिंद्रा, गोदरेज, ये बड़ी बड़ी कंपनियां जब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर करती होंगी तो वो किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर कर लेती होंगी? When big conglomerates hire chartered accountant, they look for technical as well as interpersonal skills. They look for technical as well as soft skills. This will give you that skill set which can take you to the heights of your practice or your job. आज के जमाने में दोस्तों हमारे देश के अंदर foreign companies हर साल क्या हर महीने आती हैं। हमारे देश के अंदर कंपनीज की लंबी लिस्ट है जो विदेशों से आती हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस ओनली। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस तो वो हैं जो दूसरे देश से भारत में आई लेकिन वो कई देशों में प्रेजेंट हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द कंपनीज विच लुक इंडिया एज गुड प्लेस टू वर्क फॉर, और वो यहां आकर इट बिकम्स कंपल्सरी फॉर देम एज वेल टू कीप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि आपको अपना करस्पॉन्डेंस, आपको अपना रिपोर्टिंग, आपको अपना कम्युनिकेशन, आपको अपनी सॉफ्ट स्किल्स, ये सब कुछ स्ट्रांग बनाना पड़ेगा तो बहुत अच्छा। और आप प्रेशर मत लेना, कभी आप मेरी ये लाइन सुनकर कभी आपको ऐसा लगने लगे, कभी आपको ये सुनकर ऐसा लगने लगे कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हो तो बड़ा प्रेशर आ गया आपके ऊपर इंग्लिश सीखने का, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ जो बात समझने की है वो ये कि जब आप कुछ पढ़ रहे हो, जब आप कुछ समझ रहे हो तो आपको उसका पीक कहां पर है वो पहुंचना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए। आज आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं तो आपको ये पता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आपको जॉब करनी है या आपको प्रैक्टिस करनी है। तो अगर जॉब करनी है तो टॉप नॉच कंपनी कौन सी है, हाउ डू आई गेट दैट देयर। आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो टॉप क्वालिटी क्लाइंट्स, टॉप लेवल वाले क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे, ये भी तो आपको सीखना है ना। वो अगर आपको ये आता होगा तो थोड़ा रास्ता आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप ये मेरा लेक्चर सुनने के बाद भागो और सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करने चले जाओ। दैट्स नॉट द राइट वे। आप सब्जेक्ट कवर करो, उसमें जितनी चीजें आपको सिखाई जा रही हैं आप उतनी समझो। ये देखिए दोस्तों, 13 चैप्टर है, 12 नहीं है, 13 चैप्टर्स है। हियर वी हैव द लिस्ट ऑफ ऑल 13 चैप्टर्स। ये कुल 13 चैप्टर्स आपके कोर्स में है। ध्यान से देखिए, मैं एक एक का नाम आपको पढ़कर सुनाऊंगा और हम इसी ऑर्डर में चलेंगे। देखिए यहां पर कोई आपको इंग्लिश के टेंस और सेंटेंस लंबे समय तक समझने की जरूरत नहीं है, कोई रेन एंड मार्टिन नहीं करनी है हमने। हमें एप्लीकेशन सीखनी है, हाउ डू वी यूज दीज टॉपिक्स इन आर प्रैक्टिकल लाइफ ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। चैप्टर 1 कम्युनिकेशन, चैप्टर 2 सेंटेंस टाइप्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव। अब ये यहीं खत्म हो गई जितनी ग्रामर थोड़ी बहुत है, ठीक है। ऐसा मत समझना सारे चैप्टर में ग्रामर है, अलग अलग चैप्टर्स हैं आर्टिकल के, कंजंक्शन के, प्रपोजिशन के, पता नहीं कितना सारा ग्रामर होता है। दैट मच इज रियली नॉट नीडेड, आई विल टेल यू, ठीक है ना। चैप्टर 3 वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस, नोट मेकिंग, इंट्रोडक्शन टू बेसिक्स ऑफ राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, राइटिंग फॉर्मल लेटर्स एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन, राइटिंग फॉर्मल मेल्स। देखिए आप ईमेल कैसे लिखते हैं वो आपको सिखाया जाएगा,
लोगों को जिनको ईमेल नहीं आता लिखना, वो तो चलो ठीक है कि उनको पता ही नहीं है जीमेल कैसे कैसे क्लिक करना है, लेकिन जिनको आता है उनको भी एडवांसमेंट करना चाहिए अपनी स्किल में कि एक अच्छा ईमेल कैसे लिखते हैं। रेज्यूमे राइटिंग, तमाम लोगों को मैंने देखा साइबर कैफे में जाते हैं अपना सीवी लिखवाने, मतलब हम साइबर कैफे में जाते हैं ये लिखवाने कि हमने अपनी जिंदगी में क्या करा जो हमें इंटरव्यू में बताना है। वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, राइट? वी कैन नॉट अफोर्ड टू नॉट हैव दोज स्किल्स, दैट इज वाई रेज्यूमे राइटिंग इज राइट हियर। अब आप सोचो सीए फाउंडेशन में रेज्यूमे राइटिंग क्यों है, क्योंकि आज आपके अंदर बीज पड़ जाएगा रेज्यूमे लिखना सीखने का। तो बाय द टाइम यू विल बी इन फाइनल, बाय द टाइम यू विल बी इन योर आर्टिकलशिप इन सीए इंटर, यू विल बी नोइंग हाउ टू राइट अ रेज्यूमे, हाउ टू राइट एन ईमेल, हाउ टू राइट अ रिपोर्ट। ठीक है? यस, मीटिंग्स, एक एक तरीका होता है, एक तरीका होता है किस बात का, मीटिंग्स में लोगों को इनवाइट करने का, मीटिंग को होल्ड करने का, मीटिंग को कन्वीन करने का, मीटिंग में रेजोल्यूशंस डिस्कशंस करने का। ऐसे नहीं होता कि बस कुछ भी मिल लिया वह मीटिंग हो गई। वो सारे जो पेडागोजी है, मेथोडोलॉजी है, तरीका है, वो आपको यहां पर समझना है। ऑल राइट, सो हियर वी आर एट दी सिलेबस। तो ये 13 चैप्टर्स हैं दोस्तों। किसी भी चैप्टर में मेरे को नहीं लगता कि एक से ज्यादा लेक्चर लगेगा, लेकिन ऐसा मैंने कोई टारगेट नहीं बनाया है कि मैं एक चैप्टर को एक लेक्चर में खत्म करूंगा। हो सकता है आज पहला चैप्टर में ज्यादा टाइम लगे, ठीक है, क्योंकि पहले चैप्टर में अब आप देख लीजिए इतना समय से हम डिस्कशंस कर रहे हैं, बट दैट इज नेसेसरी। ऑल राइट, अब आप रेज्यूमे लिखने की कोशिश करेंगे तो वो जल्दी लिख जाएगा, राइट? लेकिन जब आप कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस करेंगे तो हमें प्रैक्टिस करनी होगी, तो हो सकता है ज्यादा लेक्चर्स लगे। सो डोंट कीप एन आइडिया ऑफ द कंप्लीशन इन डे वन, कब खत्म होगा कब खत्म होगा ये सोचते रहेंगे तो कभी शुरू भी नहीं कर पाएंगे मन से। ठीक है, देखिए आप, सो हियर वी स्टार्ट चैप्टर वन, कम्युनिकेशन और कॉम्युनिकेशन। प्रोनाउंसिएशन डिफर, अमेरिकन, इंग्लिश, इंडियन, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, तो ऐसा कोई टेंशन आपने नहीं लेनी है मन के अंदर कि उधर ऐसा प्रोनाउंसिएशन है तो मेरा भी प्रोनाउंसिएशन वैसे ही होना चाहिए। बींग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यू नीड टू राइट मोर एंड स्पीक लेस, बींग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यू नीड टू राइट मोर एंड स्पीक लेस। सो नाउ फोकस ऑन द कंटेंट्स ऑफ योर सिलेबस ओनली। अभी अपन को अंग्रेजी स्पीकिंग का कोर्स नहीं करना है, जितना सिलेबस है उतना पढ़ना है, तो उससे भी बहुत नॉलेज हमें मिलेगी। So here two people are communicating with each other. They seem to be indulge in oral communication. ऐसा लगता है कि ये दोनों oral communication करते हैं। Communication is a process. जब हम पढ़ते हैं communication is a process, तो हमारा मतलब होता है कि ये one shot activity नहीं होता। मैं इसके ऊपर आपको कुछ pointers लिखवाऊंगा, आप जरूर लिखिएगा। Of exchanging, क्या communication में we exchange something. But what do we exchange? We exchange information, ideas, feelings, emotions through speech, signal, writing or behavior. तो अब आप सोचो, process का मतलब है it's not a one shot activity. Not a one shot activity. ये ऐसा नहीं है कि ये एकदम से हो जाती है। इट्स नॉट अ वन शॉट एक्टिविटी। सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी चाहिए कि ये वन शॉट एक्टिविटी नहीं है। दिस इज नॉट एन एक्टिविटी विच गेट्स कंप्लीटेड इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। इट टेक्स टाइम फॉर अ पर्सन टू सेंड अ मैसेज, और दूसरे को टाइम लगता है उसको समझ कर रिस्पॉन्ड करने में। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप कम्युनिकेशन कर रहे हो और बस आपने बोला और आपकी तरफ से कम्युनिकेशन पूरी हो गई तो कम्युनिकेशन पूरी हो गई। हाँ जी, जब आप कम्युनिकेशन करते हो तो स्टेप्स क्या है, आप क्या एक्सचेंज करते हो? इंफॉर्मेशन वन, आइडिया टू, फीलिंग्स थ्री एंड इमोशंस फोर। ये चार चीजें आप क्या करते हो, कम्युनिकेट। सो इफ somebody asks यू what to communicate and how to communicate, अगर कोई आपसे इन दो questions का answer पूछे, what to communicate and how to communicate, तो what to communicate का response क्या है? चार चीजें भाई, आपने ऊपर पढ़ा information, idea,
feelings and emotions. You communicate four things. आप अपने मन में आए हुए feelings, emotions, ideas and thoughts को सामने वाले तक पहुंचाते हैं. जो आपके अंदर जनरेट होता है वो आप सामने वाले तक रिसीव करवाते हो, उस तक पहुंचाते हो. दोस्तों आप किसी भी कम्युनिकेशन को याद कर लो. When you call your client और आप उसको बताते हो कि भाई हमने आपका ऑडिट किया, हमें आपकी ऑडिट में ये 5 एंट्रीज का एविडेंस नहीं मिल रहा, आपने 5-5 लाख रुपए डेबिट कर रखे हैं, बैंक स्टेटमेंट में शो हो रहा है कि 5-5 लाख रुपए कम हुए, बट ये किस चीज का है? सो वी गेव एन इंफॉर्मेशन, वी डिडंट गिव एन आइडिया, वी डिडंट गिव एन फीलिंग, वी डिडंट गिव एन इमोशंस. आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जब आप अपने फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट को बताते हो भाई तेरी प्रैक्टिस कैसी चल रही है, मेरी तो बहुत खराब चल रही है, 2 महीना हो गए, 2 ही क्लाइंट में लेके बैठा हुआ हूं, इतना खर्चा करा प्रैक्टिस में, ऑफिस में, वी थॉट ऑफ हैविंग दी ऑल द क्लाइंट्स इन वन डे, पता नहीं कैसे चलेगा, क्या कहता है तू. सो आई एम एक्सप्रेसिंग माई इमोशंस, आई एम एक्सप्रेसिंग माई फीलिंग्स, राइट? तो वो सामने वाला आपको रिप्लाई करता है पागल है, ऐसे थोड़ी होता है कि एक दिन में सारे लोग आ जाते हैं. आई हैव एन आइडिया फॉर यू, लेट्स डू दिस, लेट्स मेक अ पार्टनरशिप टुगेदर, तू मेरी फॉर्म में और मैं तेरी फॉर्म में आ जाते हैं, मिलके क्लाइंट्स गैदर करेंगे, विल सर्व देम बेटर. दैट्स एन आइडिया दैट यू कम्युनिकेट टू समवन. आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से सोच लो, इन चार के अलावा कुछ और नहीं है दैट यू कैन कम्युनिकेट टू समबडी. इन चार के अलावा कुछ नहीं है जो आप कम्युनिकेट कर सकते हो, यही चार चीजें हैं. अच्छा, हाउ टू कम्युनिकेट, यहां पर देखो ये ग्रीन कलर से लिखा है. स्पीच मतलब बोलकर, साइन लैंग्वेज से, लिखकर और अपने बिहेवियर से. कई तरीकों से आप सामने वाले को अपनी अफर्मेशन मतलब एक्सेप्टेंस और अपने रिजेक्शंस देते हो. आई डोंट लाइक इट, आई लाइक इट, आई अग्री, आई डिसअग्री, आई बिलीव, आई डोंट बिलीव. तो ये बोलकर भी हो सकता है, ये एक्सप्रेशन से भी हो सकता है, ये बिहेवियर से भी हो सकता है, ये बोलकर लिखकर दोनों तरीकों से हो सकता है. यू विल स्टडी, अभी आप पढ़ोगे. कम्युनिकेशन वर्बल होती है, नॉन वर्बल होती है, फॉर्मल होती है, इनफॉर्मल होती है, रिटन होती है, ओरल होती है, साइन लैंग्वेज होती है, पैरा लैंग्वेज होती है, अलग अलग प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं. बस मैं एक बात बताऊं आपको, बीच में बहुत कुछ होता है जो हमारी जिंदगी में हो रहा होता है, बस उसका नाम नहीं पता होता हमें. भाई आपको मैं अच्छे से बताऊं, वो जो रेड लाइट होती है, लाल बत्ती जो होती है, जो क्रॉस रोड्स पर चौराहे पर होती है, अब उसे लोग ग्रीन सिग्नल, रेड लाइट, ग्रीन लाइट बहुत कुछ बोलते हैं. तो जिधर जो बोलते हो वो बोलते हो, आपके साथ हो तो रहा है वो, लेकिन उसका एग्जैक्ट नाम क्या है वो आपको नहीं पता. तो जो आज तुम वर्ड सुनोगे ना, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये सब तुम करते हो. तुम कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ने जा रहे जो तुम पहली बार पढ़ोगे, तुम कुछ भी ऐसा नहीं समझने जा रहे जो तुम नया पढ़ोगे. सब कुछ होता है तुम्हारे साथ, तुम्हारी जिंदगी में. अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं भी कर रहे होते तब भी हो रहा था, लेकिन यहां पर यू विल गिव देम अ नेम. अच्छा, जब मैं अपने क्लाइंट से बात कर रहा था, दैट वॉज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन. नाउ व्हेन आई एम टेलिंग माई फ्रेंड व्हाट प्रॉब्लम आई एम फेसिंग इन माई प्रैक्टिस, इट्स एन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. तो आप जब भी कम्युनिकेट करते हो, तो देर आर फोर वेज, स्पीच टू स्पीक, सिग्नल, साइन लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस, राइटिंग, यू राइट समथिंग टू समवन, एंड बिहेवियर, योर बॉडी लैंग्वेज, योर परसेप्शन, हाउ डू यू रिएक्ट, योर एटीट्यूड, एवरीथिंग. तो हाउ टू कम्युनिकेट इज स्पीच, सिग्नल, राइटिंग एंड बिहेवियर. दीज आर द फोर पैरामीटर्स, दीज आर द फोर आइटम्स ऑफ कम्युनिकेशन. क्या कम्युनिकेट करेंगे ये चार चीजें, और कैसे कम्युनिकेट करेंगे ये चार चीजें. क्लियर हो गया बात दोस्तों? टेक इट इजी, मेक इट इजी वाला जो अपना प्रिंसिपल है उसको भूलिएगा मत. दैट्स वेरी नाइस. और सब्जेक्ट में बहुत ऐसी चीजें हैं जो आप लर्न करेंगे. आई अग्री,
के पहले चैप्टर में तो आपको वो रिपीटेटिव वाली चीजें मिलेंगी। पहले चैप्टर में मेजोरिटी पॉइंट्स वो हैं जो कहीं ना कहीं आपने बिजनेस स्टडीज में या कभी ना कभी पहले सुन रखे होंगे। एनकोडिंग होती है, मैसेज होता है, डीकोडिंग होती है, ऑल दैट प्रोसेस, फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्बल, नॉन वर्बल, ये सब आपने अगर सुना भी है तो कोई टेंशन, कोई लोड नहीं लेने का। आफ्टर द चैप्टर वन यू विल स्टार्ट लर्निंग न्यू थिंग्स। आपको क्रेज नहीं आ रहा इस बात का कि आप समझोगे हाउ टू राइट एन ईमेल, आपको इस बात का क्रेज नहीं आ रहा हाउ टू राइट रेज्यूमे। लोग साइबर कैफे में जाते हैं लिखवाने और उस बंदे को कुछ नहीं पता होता है, माफ कीजिएगा मैं साइबर कैफे को बुरा नहीं कह रहा, बट वो लोग भी टाइम नहीं लगाते। वो जो पहले से बना बनाया टेम्पलेट होता है, डिजाइन होता है, उसी में बस आपका नाम बदल के आपको प्रिंट निकाल के दे देते हैं। 100 लोगों का रेज्यूमे एक जैसा, जितने भी लोग साइबर कैफे से बनवा के आए सबका एक जैसा। तो वो जब आप सीखोगे तो आपको लगेगा कि आपके जिंदगी में, आपके करियर में कुछ वैल्यू एडिशन हुई है, राइट? इफ यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ 100 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और से 1000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यू मस्ट स्टैंड टॉल, राइट? लंबाई में नहीं, अपनी प्राइड में। आपको अलग दिखना है, आपको अलग काम करना है, आपको कुछ ऐसा करना है जो अब तक शायद लोग नहीं कर पाए, शायद इसलिए कि दे आर लैकिंग समवेयर इन कम्युनिकेशन। हाउ कैन यू बी स्ट्रांग इन दैट is learned here, वो यहां हम सीखेंगे, ठीक है? Process of communication is again a theoretical topic. Process of communication, दोस्तों, अगर आप एकदम से डायग्राम पे मूव कर जाओगे तो मुश्किल होगी। मैं पहले आपको समझा दूं, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में एक छोटी छोटी सी बात यह है कि यहां पर एक जगह कोई सेंडर जरूर होगा। अगर आप अपने मन से बनाने की कोशिश करो डायग्राम को, तो एक रिसीवर जरूर होगा, राइट? अगर हम टेक्निकल डिटेल में ना जाएं तो यहां से मैसेज जाएगा और यहां से फीडबैक आएगा। हियर वी हैव मैसेज एंड हियर वी हैव द फीडबैक, इज दैट ऑल राइट? हियर वी हैव द मैसेज फ्रॉम वन साइड एंड हियर वी हैव द फीडबैक फ्रॉम द अनदर साइड, इज दैट ऑल राइट? अब इस मैसेज में और इस फीडबैक में कुछ ना कुछ होता है। होता यह है कि सेंडर कोई ना कोई मीडियम इस्तेमाल करता है, वो फोन करेगा, वो चिट्ठी लिखेगा, वो ईमेल लिखेगा, उसको बोलते हैं मीडियम। और कोई ना कोई तरीका हम अपने मैसेज को वहां तक पहुंचाने में करते हैं, जो भी हम कहना चाहते हैं, आइदर वी राइट इन इंग्लिश और इन हिंदी और चाइनीज और एनी लैंग्वेज, वी मेक अ कोड ऑफ इट। तो हम अपने थॉट्स को इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहे हैं तो इसको कोडिंग ही बोलते हैं, और हमारे लेटर्स को वो पढ़ेगा तो उसको डीकोडिंग ही बोलते हैं। अभी मैं प्रोसेस दिखा दूंगा आपको तो वहां एनकोडिंग और डीकोडिंग मिलेगा। बच्चा कहता पता नहीं कौन सी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग वाला कोडिंग और डीकोडिंग पढ़ रहे, ऐसा नहीं है। सपोज करो आपने कुछ मलयालम में बोला, एंड आई एम नॉट गुड एट मलयालम, आई डोंट नो मलयालम, राइट? सो फॉर मी वट एवर यू स्पोक टू मी और वट एवर यू हैव रिटन टू मी इन मलयालम वुड बी अ कोड टू मी, एंड आई हैव टू ब्रिंग समबडी हु कैन रीड इट एंड कॉम्प्रिहेंड इट फॉर मी कि वो क्या लिखा है, सो ही इज डीकोडिंग इट फॉर मी। भाई तुमको अंग्रेजी आता है, तुमको हिंदी आता है, तुमको अपना कोई और लैंग्वेज आता है, तो तुम पढ़ते ही समझ जाते हो कि ये क्या कहना चाहता है, लेकिन वो जो तुम्हारा दिमाग प्रोसेसिंग कर रहा है वो है तो डीकोडिंग ही। अपने मन की बात कागज पे लिखना या शब्दों में बोलना इस एनकोडिंग, कोड क्रिएट करना और उस कोड मतलब उस शब्द को पढ़कर समझ जाना, मतलब डीकोडिंग। तो आप पहले देखो ये सिंपल प्रोसेस, सिंपल मॉडल क्या है। हमने बोला, सामने वाले ने पलट के जवाब दिया, हमने लिखा, सामने वाले ने रिस्पॉन्ड किया, यह है प्रोसेस। कम्युनिकेशन इज नॉट कंप्लीट जब तक जॉर्ज बर्नार्ड ने बोला था ना, कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा इल्यूजन यही है कि हम सोचते हैं कि यह पूरा हो गया जबकि यह पूरा नहीं हुआ करता। वो यहां पर है, देखो, सेंडर, रिसीवर, मैसेज, फीडबैक। अभी मैं नई बात करना चाहता एनकोडिंग की, डीकोडिंग की, बीच के मैसेज की, व्हाटएवर, लेकिन आप ये देखो सिंपल प्रोसेस ये है ना। अब अगर इसको टेक्निकल फॉर्म में देखोगे तुम तो ये तुम्हें चित्र मिलेगा। दिस इज द फॉर्मल प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले कोई सेंडर होगा, वो अपने मैसेज को एनकोड करेगा। एनकोड मतलब होता है पुटिंग इट टू अ लैंग्वेज, पुटिंग इन टू अ लैंग्वेज। सपोज करिए किसी थर्ड पर्सन के सामने हम दो लोग बैठे हैं आप और मैं, उस थर्ड पर्सन से छिपकर हमें कोई बात करनी है, हम नहीं चाहते कि वो सुने, एंड वी आर अवेयर कि उसको अंग्रेजी नहीं आती, तो हम दोनों ने इंग्लिश में बात शुरू कर दी। वी आर डेफिनेटली
दैट ही डजंट नो इंग्लिश, या फिर उसको हमें हमें पक्का पता है कि उसको चाइनीज नहीं आती, वी टू स्टार्टेड स्पीकिंग इन चाइनीज, है ना। तो हमारे लिए वो लैंग्वेज है, हमारे लिए वो शब्द है, हमारे लिए वो अर्थ है, हमारे लिए वो इजी है, हमारे लिए हमारे दिल में बसा हुआ है वो, उसके लिए कोड है ये। सो व्हेनेवर यू कन्वर्ट योर थॉट्स, योर फीलिंग्स, योर इमोशंस, योर आइडियाज इनटू वर्ड्स, यू आर एक्चुअली एनकोडिंग इट। फिर उस एनकोडिंग करके आप एक मैसेज लिख देते हो। चैनल मतलब होता है मीडियम, मीडियम का मतलब वो तरीका जिससे आप बेचते हो सामने वाले को। इट कैन बी अ लेटर, इट कैन बी अ फोन कॉल, इट कैन बी ई मेल, इट कैन बी एनीथिंग, राइट। एंड देन वी हैव द रिसीवर। हु इज द रिसीवर? अरे भाई जिसको भी आपने मैसेज भेजा होगा। और वो क्या करेगा? डीकोडिंग। डीकोडिंग का मतलब है अंडरस्टैंडिंग द मैसेज, ठीक है। जनरली जब स्टूडेंट्स ये प्रोसेस पढ़ते हैं तो उनको एनकोडिंग डीकोडिंग वाकई में कुछ अजीब सा शब्द लगता है। एनकोडिंग का मतलब होता है पुटिंग आर वर्ड्स आर थॉट्स इनटू अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, राइट। इट कैन बी एन एक्सप्रेशन, इट कैन बी एनीथिंग। भाई आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपका एम्प्लॉय आपसे बोलता है बॉस रिपोर्ट हो गई, आपने कहा कोई वर्ड्स नहीं डाले ना, बट इट्स अ मैसेज, इट्स अ कोड, इट्स अ तरीका टू एक्सप्रेस व्हाट यू वांट टू कन्वे। आपने बोला ओके, सो दिस इज ओके, चाहे आप शब्दों में बोलो चाहे आप एक्सप्रेशन में बोलो, दैट्स ऑल राइट। अच्छा, अब जब रिसीवर को समझ आ गया कि हम क्या बोल रहे हैं, तो फिर उस रिसीवर ने क्या करना है? फीडबैक देना है। और ये फीडबैक कैसे पहुंचेगा? देखो ये ऐसे, फीडबैक रीचेस टू द सेंडर and finally the communication process is over, communication is complete. Clear हो गई बात? पक्का समझ आ गया आपको? अब आप सोचो मैं इसमें क्या क्या चाहता था कि आप ना पढ़ो, encoding, message, channel और ये decoding। अगर आप भूल जाए तो बस एक sender है, एक receiver है, message है, भाई आपको मैं याद दिलाऊं मैंने कौन कौन से हाँ करे थे आपको। sender मैंने भी बोला था कि आप याद करो, message, receiver और ये फीडबैक, चार स्टेजेस तो मैंने भी आपको बताई थी। सिर्फ कोडिंग, डीकोडिंग और चैनल, ये तीन नए कदम है जो यहां पर प्रोसेस में आए। अब मैं एक बार दोबारा याद दिला दूं आपको कि ये थ्योरेटिकल चैप्टर पहला चैप्टर है, इसलिए आपको यहां पर पढ़ना पड़ेगा कि कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या है, कम्युनिकेशन का नेटवर्क क्या है, कम्युनिकेशन के बैरियर्स क्या है। लेकिन वंस यू आर डन विद दिस चैप्टर, यू विल स्टडी लिटिल ग्रामर इन चैप्टर टू। उसके बाद जितना भी चीजें आप पढ़ेंगे, वी कैन बेट ऑन दैट यू लव देम, राइट। क्योंकि वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं नहीं, हर रोज हर जगह काम आने वाले हैं। मैंने आपको बताया ना कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और आप क्लाइंट से बात करते हैं और फिर भी क्लाइंट आपकी बात मानता नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? होना ऐसा चाहिए कि क्लाइंट का कोई क्वेश्चन ना बचे जो अनआंसर्ड हो, आपने समझाया और उसे सब कुछ पानी की तरह क्लियर हो जाना चाहिए। बट दैट स्किल कैन नॉट कम ऑटोमैटिकली, ऑल्दो इट कैन कम इन एक्सेप्शनल केसेस, बट इट कैन ऑल्सो बी जेनरेटेड, इट कैन ऑल्सो बी लर्न, सीखा भी जा सकता है। तो यहां वही सीखने बैठे हम। कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कब पूरा होता है आप बताओ? मतलब आप ऐसे महसूस करो कि मैं आपके सामने बैठा हूं और आपसे सवाल पूछ रहा हूं और आप पॉज करके अपने आप को जवाब दो, मैं समझ जाऊंगा मेरे पास आ गया जवाब। कम्युनिकेशन कब पूरा होता है? कम्युनिकेशन पूरा होता है जब फीडबैक रिसीव हो जाए, जब हमारा रिसीवर हमारे मैसेज को डिकोड करे, अंडरस्टैंड करे, कॉम्प्रिहेंड करे और उसका एक सूटेबल फीडबैक दे, तब कंप्लीट होता है कम्युनिकेशन। ये देखिए, रिस्पॉन्स, और ये पिक्चर थोड़ी ब्लर्ड हो गई, यह है रिएक्शन। व्हेन कम्युनिकेशन इज कंप्लीट, कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है ध्यान से देखिए आप। अ कम्युनिकेशन इज सपोज टू बी कंप्लीट एंड इफेक्टिव ओनली व्हेन द लिसनर रिस्पॉन्ड्स रेलेवेंटली एंड अप्रोप्रिएटली। एक ये वर्ड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ आप भी लिखिएगा। इट मींस जस्ट रिस्पॉन्स इज नॉट गुड
It must be relevant and appropriate. मतलब भाई आप अपने क्लाइंट से पूछ रहे हो कि हमें बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट का जब ऑडिट करेंगे तो एसेट एंड लायबिलिटी दोनों हमें ही ऑडिट करनी है, या यू हैव अपॉइंटेड सम जॉइंट ऑडिटर. एक जॉइंट ऑडिटर होता है कि एक ही बैलेंस शीट के दो पार्ट कर दिए जाते हैं, आधा आप चेक करोगे आधा वो चेक करेगा. वी आर आस्किंग दैट टू द क्लाइंट. क्लाइंट क्या कह रहा, पूरे आप करोगे आधा कौन करता है, आधा कौन करता, आधा करता कोई. अरे उसको समझ नहीं आ रहा हम क्या पूछ रहे हैं. एक कॉन्सेप्ट होता है जॉइंट ऑडिटर का. When does it happen के कोई एक्सटेम्पोर जवाब देता है, रैंडम जवाब कोई कब देता है, जब उसे समझ नहीं आता हम क्या पूछ रहे होते हैं. तो जवाब हमारे क्वेश्चन से रिलेवेंट और सिचुएशन से अप्रोप्रिएट होना चाहिए, है ना भाई. कोई किसी को कम्युनिकेट कर रहा, सोचो ही इज नो मोर, अगर अच्छा हो. अब आप सोचो रिस्पॉन्स तो आया, रिएक्शन तो आया, लेकिन अगर वो मैसेज से हिसाब से अप्रोप्रिएट नहीं है तो सामने वाला पूछेगा अच्छा क्या बंदा खुशी हो रही तुझे वो मर गए. आपका एम्प्लॉय आपको आकर कह रहा है कि सर वो जो क्लाइंट थे ना, ही वॉज गेटिंग वेरी आयरेट, वो कह रहे हम आपसे काम नहीं करवाएंगे. आप कह रहे अच्छा काम नहीं करवाएंगे, क्यों मेरी बात कराओ. इट सीम्स रेलेवेंट. आप अपने एम्प्लॉय को बता रहे हो पता तुझे वो सेना साहब थे ना वो काम नहीं कराएंगे हम हमसे, वो कह रहे हैं आपकी रिपोर्ट लेट हो गई, अगले साल आपको रीअपॉइंटमेंट नहीं करेंगे. क्लाइंट कह रहे अच्छा अब आप बताओ आपको कैसा लगेगा. आई वॉज गिविंग यू अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल वेर इन द रिस्पॉन्स मस्ट बी मैचिंग विद द सिचुएशन, अदरवाइज कम्युनिकेशन इज नॉट कंप्लीट. फिर आप उसको पूछोगे अपने एम्प्लॉय को, भाई सुना तूने मैंने क्या बोला. तो एम्प्लॉय कह रहा हाँ मैंने सुना कि अगली बार हमें रीअपॉइंटमेंट देंगे. आप कह रहे नहीं भाई ध्यान से सुन. सो मेरा कहने का मतलब है जो फीडबैक है दैट शुड बी रेलेवेंट, दैट शुड बी अप्रोप्रिएट, दैट शुड मैच विद द सिचुएशन ऑफ सराउंडिंग्स. हाँ जी दोस्तों, अब है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन कितने टाइप्स की होती है. अब जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो अलग अलग तरीकों से अलग अलग बेसिस पर क्लासिफाई करी जा सकती है. जो बेस मेन क्लासिफिकेशन है वो ये है, वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल. ये तीन रास्ते हो सकते हैं और मुझे नहीं लगता इनका मतलब आपको नहीं पता होगा. वर्बल कम्युनिकेशन वेयर यू यूज वर्ड्स, राइट. मैं लिख देता हूं, यूज ऑफ वर्ड्स, राइट. नॉन वर्बल, यूज ऑफ एक्सप्रेशंस. और विजुअल क्या होता है, प्रेजेंटेशन. जो मैं इस समय आपको दे रहा हूं, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो पिक्चर आप देख रहे हैं, दैट्स अ विजुअल कम्युनिकेशन. दिस इज एक्सप्रेशन, याद है. एंड यूज ऑफ वर्ड्स विच वी आर कम्युनिकेटिंग राइट नाउ. तो वर्बल शब्दों के साथ, नॉन वर्बल बिना शब्दों के, और विजुअल जहां पर आप पिक्चर्स, प्रेजेंटेशन, ग्राफ्स, चार्ट्स, ये सब दिखाते हो. टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल, वो एक आपको याद दिलाऊं कि जब आपका पर्पस होता है, एक फॉर्मल है और एक इनफॉर्मल है. कैसे, ये ना सेट रूल्स के हिसाब से होता है. हाउ टू राइट एन ईमेल की क्लास हो सकती है, दोस्तों से कैसे बात करनी है उसकी बात क्लास नहीं हो सकती, वो यू नो बेटर. वहां पर कोई रूल नहीं डिसाइड करना होता आपको कि आपको अपने दोस्त से बात करनी है, आपको चिंटू से बात करनी है. आज चिंटू से बात करते समय पहले मैं ये बात करूंगा, फिर मैं ये वाली लाइन लिखूंगा, फिर मैं ऐसे बोलूंगा, ऐसे नहीं होता. यू स्पीक स्पॉन्टेनियस, यू स्पीक वॉट कम्स टू योर माइंड, है ना. दैट्स एन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, दैट्स अ स्टाइल. Wherein you need not to follow a set path, where you need not to follow a set procedure. This is where you have to follow a set procedures. Formal communication and informal communication में बड़ा फर्क है दोस्तों. हम और आप तो ना formal कर रहे हैं ना informal. Class कुछ नहीं होती है, class सिर्फ सिखाने के लिए बना हुआ communication है. जैसे आप सीखोगे वैसे मैं सिखाऊंगा. Formal, formal, informal, informal, हमारा कोई 30 type है. But when you become chartered accountant, you communicate with your clients. That's a formal communication. You communicate with a superior and subordinate. That's a formal communication. But when you're sitting next to your friend who is also a chartered accountant, or even if he's not a chartered accountant, when you're speaking to him, that's an informal communication. Many a times, कई बारी ऐसा होता है कि आप
अपने क्लाइंट से भी इनफॉर्मल होते हो, कभी कभी आप अपने एम्प्लॉय से भी इनफॉर्मल होते हो, क्योंकि आपको लगता है बींग मच फॉर्मल विल नॉट सॉल्व आवर पर्पस. सो वी बिकम लिटिल इनफॉर्मल सो दैट द एम्प्लॉय बिकम्स हैप्पी, द एनवायरमेंट बिकम्स काम एंड कूल. तो वो डिपेंड करता है कि भाई आपको कैसी क्या पर्पस आपका सॉल्व करने का है, दैट इज द पॉइंट. ठीक है ना? तो अब ये जो आपने पढ़ा, ये सिर्फ डायग्राम नहीं दिखाने मुझे, इनकी डिटेल भी हम पढ़ेंगे, इनके अंदर सारे सारे पॉइंट्स हम सीखेंगे. ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं. अब इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों. वर्बल कम्युनिकेशन का डिटेल अब आपको मिलेगा. वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर दो कम्युनिकेशन आपको मिलेंगे, पहला रिटन और दूसरा ओरल. उन दोनों कम्युनिकेशन के अंदर फिर उनका अपना अपना डिस्क्रिप्शन होगा. लेकिन ये तो आप मानते हो ना कि वर्बल कम्युनिकेशन इज समथिंग दैट यूजेस वर्ड्स. वर्ड्स में भी स्पोकन, वर्ड्स में भी रिटन, राइट? सो लेट्स सी. वर्बल कम्युनिकेशन ये रहा. यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये दोनों अलग अलग सामने चेयर पर बैठे हैं. ये मैसेज का सिंबल है, यहां पर आप देखिए ये लोग एक दूसरे का से बात कर रहे हैं यूजिंग वर्ड्स. सो व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन? वर्बल कम्युनिकेशन इज विच इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेजेस इन डिलीवरिंग द इंटेंडेड मैसेज. अब ये जो वर्ड्स एंड लैंग्वेजेस है, ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है. इट मे बी स्पोकन और इट मे बी रिटन, बोथ आर पॉसिबल. दोनों संभव हैं. रिटन, आपको मैंने एक बात बताई कि अभी आपको कुछ लिखना नहीं पड़ रहा ज्यादा, क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस वाला चैप्टर ही अलग है. कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आपको मिलेंगे, रिपोर्ट राइटिंग आपको मिलेगी, वहां पर ऑब्वियसली वील प्रैक्टिस राइटिंग. बट हियर वी आर नॉट सपोज टू प्रैक्टिस राइटिंग, हियर वी आर सपोज टू लर्न समथिंग. सो वर्बल कम्युनिकेशन इज अ कम्युनिकेशन विच यूजेस वर्ड्स, विच यूजेस लैंग्वेजेस इन डिलीवरिंग द इंटेंडेड मैसेज. द रिटन एंड ओरल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन आर बोथ इंक्लूडेड इन वर्बल. पक्का बात आपको क्या करना है, पक्का याद आपको क्या करना है कि वर्ड जरूर यूज होते हैं. और एक बात बताऊं, ऐसा कभी नहीं होता कि आप कोई एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ही केवल यूज करो. इन योर डेली रूटीन यू कैन चेक, यू यूज ओरल कम्युनिकेशन, यू यूज रिटन कम्युनिकेशन, यू यूज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यू यूज विजुअल कम्युनिकेशन, समटाइम्स यू गो फॉर्मल, समटाइम्स यू गो इनफॉर्मल. वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आर क्लब्ड टूगेदर when you interact with people. दोस्तों, ऐसा कोई नहीं मिलेगा आपको जो हमेशा फॉर्मल हो, ऐसा कोई नहीं मिलेगा आपको जो हमेशा इनफॉर्मल हो, क्योंकि आप कभी हमेशा इनफॉर्मल हो ही नहीं सकते. आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा which uses only verbal communication, no language, signs or nothing, which does not use any visual, हो ही नहीं सकता. So real life में तो we use every part of communication. हर अलग अलग टाइप का कम्युनिकेशन हम यूज करते हैं. सो हियर कम्स द रिटन कम्युनिकेशन. अब आपने पहले देखा ना कि वर्बल में रिटन भी आया और ओरल भी आया, तो रिटन कम्युनिकेशन को देखते हैं. ये देखिए आप, यहां पर ये मैडम क्या कर रही है, ये लैपटॉप में से नोट्स बना रही है. आपको लैपटॉप में से नोट्स बनाने वीडियो देखते देखते, ये रिटन कम्युनिकेशन वेर वी राइट समथिंग. जरूरी नहीं है कि आप पेन से लिखें, आजकल तो आईटी का जमाना है, कंप्यूटर पे भी टाइप करेंगे तो भी वो नोट्स ही हैं. देखिए क्या लिखा है. रिटन कम्युनिकेशन इंक्लूड्स लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स, ईमेल्स, रिपोर्ट्स, हैंडबुक्स, ब्रोशर्स, वेरियस चैट प्लेटफॉर्म्स लाइक टेलीग्राम, व्हाट्सएप, एसएमएस एटसेट्रा. सब जगह आप लिखते ही हो. Either you write formally or you write informally. When you're writing an email, that's majority cases mein will be a formal email. And when you writing on a chat platform, that's in majority cases an informal one. Aap VIA, Airtel vagera kabhi chat box open karoge, tabhi bhi aap wahan pe, you may be formal, but you never become formal there. SMS में भी आपको मैसेजेस आते होंगे फॉर्मल, लेकिन आप इनफॉर्मल मैसेजेस भी भेज सकते हो. द रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज एसेंशियल एंड इंडिस्पेंसिबल फॉर बिजनेस ऑफ कोर्स.
कारोबार में दोस्तों रिटन कम्युनिकेशन कैसे खत्म हो सकती है? यू रिसीव ऑर्डर्स इन राइटिंग, यू सेंड ऑर्डर्स इन राइटिंग, यू राइट ईमेल्स टू योर वेंडर्स, यू राइट ईमेल्स टू योर कस्टमर्स, यू राइट लेटर्स टू योर गवर्नमेंट अथॉरिटीज, यू राइट एप्लीकेशंस टू द अथॉरिटीज, यू रिसीव रिप्लाई फ्रॉम द अथॉरिटीज इन राइटिंग. तो रिटन कम्युनिकेशन तो ऐसी है विच इज वेरी मच नीडेड टू यू नो फॉर फ्यूचर रिकॉर्ड एंड रेफरेंस. यू नीड समथिंग टू प्रेजेंट इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस इफ सम डिस्प्यूट हैपेंस. तो आपने ऑर्डर भेजा राइटिंग में, आपने ऑर्डर लिया राइटिंग में, आपने डिस्पैच की इन्फॉर्मेशन भेजी राइटिंग में, आपको डिस्पैच की इन्फॉर्मेशन मिली राइटिंग में. सो मेनी थिंग्स हैपन इन राइटिंग. सो आगे पढ़ते हैं एक बार दोबारा. द रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज एसेंशियल and indispensable for formal business interactions. अब आप contract आपने law में पढ़ा होगा, memo, press release, formal business proposal, legal instructions, documentation, so many things are there. When you wish to have an agreement with somebody, you write a formal proposal. You write some words which appeal to that person. You try to explain how will that contract give benefit to both the parties. You do explain orally as well. When there is a business meeting and two parties are meeting to discuss upon an agreement, you do explain. जैसे मैं आपको presentation दे रहा हूँ, वैसे business meetings में भी आप presentation देंगे. You have called somebody in the meeting and you are explaining why this project is beneficial. So you speak, बोलते हो आप, लेकिन उसकी जो highlights हैं वो लिखकर दी जाती हैं pointers में. ये एक बात है. Anyways, आगे बढ़ेंगे. English language के बारे में मैं आपको दोबारा बता दूँ. अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को देखकर आपको ऐसा लगता है, सम ऑफ यू माइट बी वेरी मच प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम, अगर आपको ऐसा लगता है आप में से किसी को भी कि इंग्लिश इज अ वेरी फार ऑफ लैंग्वेज, इंग्लिश इज समथिंग जिससे हम बहुत दूर हैं, तो दोस्तों आपको ये दूरी खुद खत्म करनी पड़ेगी. नॉट बाई टेकिंग प्रेशर, नॉट बाई टेकिंग ओरल स्पीकिंग क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस. यू कंटिन्यू स्टडिंग व्हाट यू आर स्टडिंग. धीरे 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 बहुत सारी आपकी कम्युनिकेशन की बातें तो मैं ही स्ट्रांग करा दूंगा चलते चलते, जब तक आपका चैप्टर चल रहा है, जब तक आपका कोर्स चल रहा है. एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, इंग्लिश एंड बिजनेस इंग्लिश आर टू डिफरेंट थिंग्स. वैसे ही जैसे बिजनेस इंग्लिश, जैसे इंग्लिश एंड पर्सनल इंग्लिश बिल्कुल अलग है. इवन इन हिंदी व्हेन यू स्पीक, यू डोंट स्पीक मच डिफिकल्ट वर्ड्स. किम कर्तव्य विमूढ का मतलब बताइए आप, जो लोग हिंदी भाषी हैं शायद नहीं पता होगा आपको. तो मैं ये बोल रहा हूं, इंग्लिश बोलने के लिए भी भारी भारी वर्ड्स बोलने की जरूरत नहीं होती. सो हियर वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट, बट आई वांटेड टू टेल यू दैट बिजनेस इंग्लिश इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल इंग्लिश. बिजनेस इंग्लिश इज फोकस्ड ऑन कन्वेइंग द मैसेज. जो आप कहना चाहते हो, जो अपने चारों तरफ में आप बात करना चाहते हो, उसको कैसे इंग्लिश में पुट करें, बस वो आपने यहां सीखना है. एंड इफ यू आर प्रोफिशिएंट इन बिजनेस इंग्लिश, दैट्स ऑल राइट, दैट इज व्हाट नीडेड. उसके अलावा किसी और चीज की जरूरत नहीं है. English may be a second language and English can even become your first language. Usme koi problem nahi hai. But you really don't need each and every grammar aspect. You don't need each and every vocabulary word of your grammar dictionary. Se roz char shabd seekhne baithoge to naye char seekhoge, purane char bhul jaoge. Right? Follow me for better tips and tricks. How to improve your business English, not of the English of the world. Karna bhi kya hai uska? ये देखो आप, मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज यूज्ड ग्लोबली इज बिजनेस इंग्लिश. बिजनेस इंग्लिश जो आपके कोर्स में है वो बड़े सोच समझकर इंग्लिश का, बिजनेस इंग्लिश वाला पोर्शन डाला गया है. भाई आप रोजाना की कम्युनिकेशन में रिटन इंग्लिश यूज करते हो ठीक है, लेकिन वो सारी कम्युनिकेशन आपकी बिजनेस इंग्लिश वाली नहीं होती. बहुत कुछ आप नॉर्मल भी बोलते हो, बस वो नॉर्मल जैसे बोलो बोलो कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट व्हेन यू आर इन अ मीटिंग, जब आप कम से कम मीटिंग में हो, वहां पर आपको सही और सही तरीके से बोलना है. देखो आप, मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज यूज्ड ग्लोबली इज बिजनेस इंग्लिश. इट इज द लैंग्वेज टाइप यूज्ड इन बिजनेस कंटेक्स्ट सच एज इंटरनेशनल ट्रेड, commerce, finance, insurance, banking and many office settings. It entails, isko chahiye clarity, specific vocabulary and grammatical structure. And when I use the word specific,
सच मानिए इतने सारे टेंस और इतने सारे सेंटेंस की जरूरत नहीं होती. वेरी फ्यू स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी इज नीडेड व्हेन यू टॉक अबाउट बिजनेस इंग्लिश. बिजनेस इंग्लिश में जब आप बात करते हैं, आपको मैं बोलना चाहता हूं एक टिप, सुन लीजिए. आप कभी नोटबुक उठाइए और अपनी नोटबुक पर वो सारे सेंटेंसेस हिंदी में लिखिए जो आप यूजुअली बात करते हैं एक दूसरे से. इवन इफ यू आर गुड एट इंग्लिश, यू मे नॉट बी नोइंग सम पर्टिकुलर वर्ड इन इंग्लिश, सो यू कैन ऑल्सो डू दैट एक्सरसाइज इवन इफ यू आर गुड एट इंग्लिश. आप लिखो, मम्मी खाना दे दो. क्या ये बस चर्च गेट जाएगी? क्या आज मूवी लग गई सिनेमा में? जो भी सेंटेंसेस आप यूजुअल अपनी लाइफ में हिंदी में बात करते हो उसका लिस्ट बनाओ और उसको अंग्रेजी में कैसे बोलने गूगल कैन टेल यू. फिर आप देखिएगा, वेरी स्मॉल सिंपल स्वीट सेंटेंसेस आर एक्चुअली बीइंग यूज्ड इन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश एंड इन रिटन इंग्लिश, बट वी आर टेंस्ड अबाउट द टेंसेस. है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए. तो बिजनेस लैंग्वेज में इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, कॉमर्स है, इंटरनेशनल ट्रेड है, अपनी फील्ड में जो वर्ड्स यूज होते हैं सिर्फ उतने आपको आ गए ना तो भी यू आर डन. यू आर डन विद द प्रैक्टिस, यू आर डन विद द प्रोसेस. प्रॉब्लम सिर्फ इधर है, हमारी सोच में. हमको ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो रहा है हमारे साथ. ठीक है, खैर, डिफरेंस बिटवीन जनरल इंग्लिश एंड बिजनेस इंग्लिश, दिस आई वॉन्टेड टू टेल यू पीपल. मैंने बोला था आपको, जनरल इंग्लिश ब्रॉड है, बड़ी है, बहुत फैली हुई है, लेकिन बहुत सारा ऐसा कुछ है जो हमको नहीं चाहिए होता. बिजनेस इंग्लिश बड़ा स्पेसिफिक है, वो चीजें जो आपके चारों तरफ यूज होती है. अगर आपको उतना आता है तो बस ठीक है. आपको मैं बताऊं, होटल में आप जाइए, वहां पर एवरी स्टाफ वुड बी स्पीकिंग इंग्लिश. इन फाइव स्टार्स होटल आप जाके देखिए, हर स्टाफ तो वो इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करके आते हैं. नॉट ऑलवेज, इन सम केसेस मे बी येस, बट नॉट इन ऑल केसेस, बिकॉज दे आर ट्रेन्ड इन स्पीकिंग दोज पर्टिकुलर सेंटेंसेस कि आपको अपने क्लाइंट से कैसे बात करनी है. In airlines, people who speak English fluently are actually speaking the same sentences every day. They know what to speak in a given question. उनको पता है क्या बोलना है. Cinema hall में popcorn बेचने वाला भी अंग्रेजी बोल रहा होता है कब कुछ cinema halls में. Why does it happen and how can it happen in a fraction of second he starts speaking English? क्योंकि उसे पता है कि उसके साथ होने वाले जो instances हैं वो fix हैं. उसे पक्का पता है क्लाइंट ये पूछेगा, कस्टमर ये पूछ सकता है, उसे सबके आंसर याद है. इसमें ये बोलना है, इसमें ये बोलना है, इसमें ये बोलना है, इसमें ये बोलना है. किसी को नहीं याद होता तो वो बस इतना कहता, आई जस्ट चेक विद द मैनेजर, ही विल रिस्पोंड यू. देन द मैनेजर कम्स, हम तो बच के निकल गए. तो मैं वो बोल रहा हूं कि जनरल इंग्लिश जनरल है, प्लेन है, और जो बिजनेस इंग्लिश है वो स्पेसिफिक है. उसमें जितने टर्म्स आते हैं वो आज से आपकी सीख और आपकी क्लास शुरू हुई. राइट, देखिए क्या फर्क है नॉर्मल इंग्लिश एंड बिजनेस इंग्लिश में. ये देखिए, ये तो एक सिंबॉलिक पिक्चर है. इधर देखिए आप, व्हाट इज रिटन, व्हाइल बोथ आर काइंड्स ऑफ लैंग्वेज. थोड़ा सा जूम कर लेते हैं. जल्दी जल्दी नीचे घूम जाता है ये, कोई बात नहीं, अभी हम वापस आ जाते हैं. Yes. While both are kinds of English language, general English, business English, hai to English, as forms of communication, the approach and objectives of these two widely vary from each other. वही तो मैं बोल रहा हूं बहुत देर से, दोनों बिल्कुल अलग हैं. The approach for the general English learns more on the basics. जनरल इंग्लिश बेसिक्स की बात करती है, कॉन्वर्सेशनल बात करती है, डे टू डे में हम क्या बात करते हैं उस पर बात करती है. लेकिन बिजनेस इंग्लिश इज स्पेसिफिक इन नेचर. बिजनेस में जो आप बात करते हो वो रोजाना में नहीं करते, बिजनेस में जो आप इंटरेक्शंस करते हो वो रोजाना में नहीं करते. तो बिजनेस में जो इंटरेक्शंस आप करते हैं वो आपने यहां सीखनी है. देखो आप, बिजनेस इंग्लिश इज अ सिस्टमैटिक एंड कॉम्प्लेक्स मोड ऑफ स्पीकिंग द सेड लैंग्वेज. एक बोलने का तरीका है,
आप यकीन मानिए मेरी बात, डॉक्टर की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले शब्द अलग होंगे, एक इंजीनियर की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले शब्द अलग होंगे, एंड यू द पीपल चार्टर्ड अकाउंटेंट मस्ट बी यूजिंग अ डिफरेंट वोकैबुलरी। तो जो वोकैबुलरी आपको इस्तेमाल करनी होती है आप वो सीख लीजिए, इट्स डन, बिजनेस इंग्लिश इज डन। एनीवेज, बिजनेस इंग्लिश इज यूज्ड इन वर्क प्लेसेस और ऑफिसेस फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन, ये मैं आपको बता रहा था, क्योंकि ये समझना है आपको कि जनरल जिंदगी में रोजाना में इस्तेमाल होने वाले डे टू डे कॉन्वर्सेशंस में जो अंग्रेजी इस्तेमाल होती है वो भी इतनी बड़ी नहीं है, बिजनेस इंग्लिश तो और छोटी है, इट्स सिस्टमैटिक स्पेसिफिक। हाँ, कॉम्प्लेक्स इसलिए लगती है क्योंकि वो रोजाना में यूज नहीं होती, तो जो भी नया दिखता है हमें मुश्किल लगता है। एनीवेज, आई एम क्लोजिंग द लेक्चर, मैं आपको पहले यहां पर यह दिखा दूं, ये हमने आज सबसे बड़ी जरूरी चीज क्या देखा, यस, कि कम्युनिकेशन एक वर्बल है, एक नॉन वर्बल है, एक विजुअल है। वर्बल कम्युनिकेशन में वी हैव ओरल एज वेल एज रिटन कम्युनिकेशन, बट इन वर्बल कम्युनिकेशन वी हैव कंप्लीटेड टुडे ओनली रिटन कम्युनिकेशन। लेकिन दोस्तों, सिलसिला अभी जारी है, चैप्टर्स अभी बाकी हैं, टॉपिक्स इसमें भी काफी बाकी हैं, हम सब पढ़ेंगे अगली क्लास में। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि बीसीआर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अदर सब्जेक्ट्स या इसका दूसरा भाई लॉ। आप इस पे भी उतनी ही प्रैक्टिस करेंगे, इनफैक्ट इस पे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको, क्योंकि क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन वाले आते हैं, बड़ा सा पैराग्राफ आएगा अनसीन पैसेज की तरह और आपको उसके क्वेश्चन आंसर्स लिखने होंगे। मैं हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्लास के अंदर कराऊंगा आपको। वो बात सही है कि आपको उसके बाद भी करनी होगी, लेकिन एक बार तो मेरे साथ आपने करनी चाहिए। डाउट्स जितने भी आते हैं, एज यूजुअल वील कम्युनिकेट विद ईच अदर, वील सॉल्व डेफिनेटली, लेकिन इसकी प्रैक्टिस ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। रिपोर्ट राइटिंग हुआ, ईमेल राइटिंग हुआ, प्रेसी राइटिंग हुआ, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज हुए, मैं सब आपको एक एक करके करवाऊंगा, बस आप मेरे साथ बने रहिए। राइट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।